नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं, खासतौर से शिक्षक भर्तियों की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहे। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में मैं लगातार आप लोगों को अपडेट दे रहा हूँ, और सुबह की वीडियो में भी आप लोगों से बताया था कि आज हजारों की संख्या में छात्र लखनऊ पहुँच चुके हैं। आप लोग सीधे देखिए, इको गार्डन छात्रों से फुल हो गया है। सुबह से ही विद्यार्थी वहां पर हजारों की संख्या में पहुंच चुके हैं और लगातार विद्यार्थी पहुंच रहे हैं। आपको एक बात और बता दूं कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे दिल्ली में, हर जगह, ताकि जो सरकार है वो भी इस वीडियो को देखे, विपक्ष वो भी इस वीडियो को देखे, जो नेशनल मीडिया वो भी इस वीडियो को देखे, और लखनऊ के आसपास के जो छात्र हैं वो भी इस वीडियो को देखें, और जो छात्र नहीं पहुँच सके हैं वो वहां पर अभी भी पहुंच जाएं। ये विधानसभा गिराओ योगी जी, हमें 97,000 भर्ती चाहिए। योगी जी 97,000 भर्ती दीजिए। योगी जी हम डीएलएड पर सुझु लगातार 3 सालों से नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। योगी जी हमें न्याय दो। योगी जी, योगी जी, योगी जी हमें न्याय दो। योगी जी, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, लेकिन हमें रोजगार दे, हमें रोजगार दे। जैसे ही छात्रों की संख्या बढ़ गई, वैसे ही बहुत सारे जो छात्र हैं वो विधानसभा की तरफ बढ़ने लगे हैं, और पुलिस उनको रोक रही है। पुलिस ने आगे बैरिकेडिंग भी लगा दिया है, और ये छात्र बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखते देखिए, देखिए पुलिस भगदड़ शुरू हो चुकी है, और आगे से पुलिस ने रोकने के पूरे इंतजाम कर लिए हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जितना भी आप लोग शेयर कर सकते हो शेयर करें। छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा पीछे, छात्र आ रहे हैं, लगातार छात्र आ रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है।
अगर पुलिस ने इन छात्रों को रोका है तो इन लोग ये छात्र जो है वो सड़क पर ही बैठ गए हैं और वहीं पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के 97,000 पदों की मांग कर रहे हैं और वहीं पर धरना शुरू हो गया है। बीच रोड में ये छात्र बैठे हुए हैं। ये देखिए पुलिस इन छात्रों को आगे नहीं जाने दे रही है, पुलिस इन छात्रों को आगे नहीं जाने दे रही है। देखते ही देखते पूरी सड़क फुल हो चुकी है। पूरा 120 फीट चौड़ा ये जो रोड है वो पूरा रोड जाम हो गया, हो चुका है। पूरा लखनऊ को बंद करवा दिया इन छात्रों ने और ये विद्यार्थी नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि शिक्षा मंत्री खुद यहाँ पर चल करके आए, खुद छात्रों से बात करें, खुद बताएं नई शिक्षक भर्ती के बारे में, मुख्यमंत्री खुद इसके बारे में बयान दें। हजारों हजारों की संख्या में पर छात्र आ नहीं रहे। इतनी चौड़ी सड़क है, ये देखिए यहाँ पर 6 लेन सड़क है वो पूरी फुल हो चुकी है छात्रों से और जानकारी मिल रही है कि विभिन्न स्टेशन से, ये देखिए स्टेशन से लगातार भीड़ बढ़ रही है और छात्र अभी भी यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं। ये देखिए ये छात्र अभी भी पहुंच रहे हैं, ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्टेशन की तस्वीरें हैं, ये कितनी संख्या में छात्र पहुंच रहे हैं धरना प्रदर्शन में आप लोग खुद अंदर। पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री का भी ट्वीट आ गया, उन्होंने भी पोस्ट किया है प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त 97,000 शिक्षकों की भर्ती को मांग को लेकर के आज उत्तर प्रदेश के युवा बेरोजगार लखनऊ के इको गार्डन पहुंच रहे। इन युवाओं के आंगन में सफलता का सूरज उगे यही कामना करता हूं। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, ज्यादा से ज्यादा वायरल करते हैं। ये देखिए यहाँ पर पुलिस अगर इन छात्रों को गिरफ्तार करती है तो पुलिस के पास इतनी वैन होंगी, इतनी जीप होंगी, इतनी कार होंगी कि इन छात्रों को पुलिस पकड़ सके या इनको इको गार्डन पहुंचा सके। संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है, पुलिस के पास गाड़ियां भी नहीं होंगी इतनी और ये धरना प्रदर्शन वहीं पर शुरू हो चुका है। अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को लगातार इसी तरीके की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे।